हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं बिहार का सबसे स्पेशल छठ पूजा वाला ठेकुआ। हाँ जी, ये वही ठेकुआ है जो छठ पूजा में बनाया जाता है। ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है और लाजवाब कि आपको क्या ही बताएं। और ये क्रिस्पी भी होता है। इसे स्टोर करके आप 2 से 3 दिन अपने घर पे रख सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, नया वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए इस रेसिपी को झटपट शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा और इसी में ले लेंगे हम 1 कटोरी मैदा। आप चाहें तो इसमें रवा भी ले सकते हैं, सूजी, लेकिन हम एकदम बिहारी स्टाइल में ठेकुआ बना रहे हैं तो इसलिए हम बस इतना ही लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप ऑयल या घी, कुछ भी आप ले लीजिए, और इसे मोइन दे लेंगे। मोइन हमें ऐसा लगाना है मुट्ठी में ले तो हमारा आटा जो है मुट्ठी बन जाए। और देखिए, ऐसा ही मोइन हमें चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़, जो हमारे यहाँ बिहार में मीठा इसे बोला जाता है। ठेकुआ छठ का बना रहे हो और मीठा ना डाले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मीठा से बहुत ही टेस्टी भी होता है और छठ में मीठे से ही बनता है ठेकुआ। हमने इधर 2 बड़े साइज में भेली लिया था, ऐसा वाला जिसे हमने तोड़कर ऐसा किया है। तो आप भी ऐसा वाला ना हो तो आप चीनी भी ले सकते हैं। इसी में डाल देंगे हम 4 चम्मच चीनी। हमने मीठा जो है गुड़ वो कम लिया है तो इसलिए हम चीनी डाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, सिर्फ गुड़ में बनाना चाहते हैं, तो चीनी का यूज ना करें। और इसी में हम डाल देंगे कच्चा नारियल, जो बिहार में छठ पूजा में जब ठेकुआ बनाया जाता है तो कच्चा नारियल का यूज एकदम होता है। तो हम इसमें कच्चा नारियल डाल रहे हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे हम बहुत अच्छी तरह। बिहार में हमारा छठ पूजा बहुत ही स्पेशल होता है त्यौहार और इसे बहुत ही श्रद्धा लगन से मनाया जाता है और ठेकुआ उसी का एक हिस्सा है, जो बिहार में बहुत ही इसे अच्छे से बनाया जाता है और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। अब इसी में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे हम मिलाएंगे अच्छी तरह। इसका कोई डो नहीं बनाना है, बस मिलाना है ये सारे जो आटे हैं वो इकट्ठा हो जाए। देखिए, इसे ऐसा ही गूंथना है कि बस हाथ में इसे मुट्ठी बांधे तो हमारा मुट्ठी बन जाए। और इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा किसी भी टावल से ढक कर रख दीजिए ताकि जो हमने चीनी इसमें डाला हुआ है उसका भी पानी रिलीज कर दे। तो देखिए, हमारा 5 मिनट हो चुका है। तो अब हम अपना कॉटन हटाकर देख लेते हैं और ये देखिए एकदम नरम हो गया है। तो ऐसा ही हमें चाहिए था। जो हम इसमें गुड़ डाले हुए थे वो मेल्ट हो चुका है, देख रहे हैं, एक एक गुड़ दिखाई दे रहा है, ये मेल्ट हो चुका है। तो ये ऐसा हाथ में मुट्ठी में बन जा रहा है, तो ऐसा ही चाहिए। और ऐसे एक डो बना लीजिए, देख रहे हैं। वैसे तो ये सांचे में बनता है, बहुत अच्छी से छठ पूजा में लोग सांचे में बनाते हैं, लेकिन आज हमारा सांचा मिल नहीं रहा है तो आज हम इस छलनी की मदद से बनाएंगे और इसी से आप लोगों को बताएंगे। तो बस इसे कुछ नहीं करना है, इसे ऐसा बना लीजिए आप लोग हाथों की मदद से और ऐसे तरह से इसे डैप कीजिएगा तो ये हो जाएगा। और इसे ऐसे छलनी को रखेंगे और रखकर थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए देखिएगा तो एक डिजाइन बन जाएगा। देख रहे हैं कितना बेहतरीन एक डिजाइन बन गया है। ये सांचे से भी बढ़िया डिजाइन बनकर निकला हुआ है। सांचे में जैसा डिजाइन चाहिएगा वैसा डिजाइन ये निकल जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन डिजाइन बना हुआ है ना। तो ऐसे ही हम अपना सारे ठेकुए को बना लेंगे। तो देखिए, हमारा ठेकुआ बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो इधर हमने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। वैसे तो ठेकुआ घी में बनता है छठ पूजा के लिए, लेकिन हम छठ पूजा के लिए नहीं बना रहे हैं तो हम ऑयल में इसे फ्राई करेंगे। तो हम ऑयल डाल लिए हैं और इसे गर्म होने देते हैं। ये रिफाइंड ऑयल है, इसी में आज हम फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं, एक छोटा सा आटा का टुकड़ा डालकर देख रहे हैं और तेल लगभग गर्म हो चुका है।
बस इसमें हम एक ऐसे ही अपने ठेकुए को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। और पहले तो हम मीडियम आंच पे ही इसे फ्राई करना है। देखिए ऐसे ही एक एक करके हम अपना सारा ठेकुआ इसमें डाल देते हैं और बस मीडियम टू स्लो आंच पे इसे फ्राई करना है। हमारा ठेकुआ फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है तो इसे हम पलट लेते हैं। ये बहुत आसानी से पलट जाएगा और इसे हम रटते पलटते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि ये पूरी तरह पक नहीं जाता है। देखिए हम इधर से भी इसे पलट लिए हैं और इधर से भी हम फ्राई इसे कर लेंगे। तो लीजिए हमारा ठेकुआ जो है वो फ्राई हो गया है, ये एकदम बेहतरीन हुआ है। इसे हम एक कुकर पे निकाल लेते हैं। ऐसे ही सारा निकाल लेंगे हम, जितना तेल है ये पेपर पे ही अब्जॉर्ब हो जाएगा और निकल जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन हुआ है और एकदम टेस्टी होता है। आप लोग भी एक बार अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिए, ये आप लोग को बहुत पसंद आएगा। ये बिहार का स्पेशल डिश है और ऐसे ही हम अपना दूसरा भी डालकर फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए इसे हम मीडियम आंच पे फ्राई कर रहे हैं। लीजिए हमारा फ्राई हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और क्रिस्पी है। आप इसे घर में 2 से 4 दिन तक आराम से रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। और हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।